हेलो विद्यार्थियों, जैसा कि मेरे द्वारा इससे पहले भी वीडियो लेक्चर आपके लिए अपलोड किए जाते रहे हैं, आज भी एक वीडियो लेक्चर मेरे द्वारा आपके को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किया गया है, जो कि इस कंसेप्ट पर आधारित है कि जैसा कि आपका सब्जेक्ट है पेनोलॉजी ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स, ऑफेंडर्स का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे वो इस लेक्चर में बताया गया है। देखिए कैसे, जैसा कि इसमें दे रखा है, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट गिवन टू क्रिमिनल, डिफाइन इट्स मेथड्स। हम ऑफेंडर्स का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या होता है ऑफेंडर्स का ट्रीटमेंट और उसके मेथड्स क्या होंगे। जैसे हमने यहाँ पॉइंट वाइज, नंबर वन ट्रीटमेंट प्रोसीजर फॉर क्रिमिनल, नंबर सेकंड मेथड्स। मेथड्स को हमने दो तरीके से डिफाइन किया है, ए बिफोर पनिशमेंट, बी आफ्टर पनिशमेंट। क्या होता है ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स, व्हाट इज द प्रोसीजर रिलेटेड टू ऑफेंडर्स फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट, किस तरह हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे, उपचार अपराधी का कैसे किया जाता है, किस तरीके से हम उन्हें दिशा प्रदान करेंगे जिससे कि भविष्य में उपलब्धियों को प्राप्त हो और इस आपराधिक दुष्प्रवृत्ति से बाहर हो जाए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में समूचे भारत में सुधारात्मक दंड व्यवस्था को अपनाया गया है। सुधारात्मक दंड व्यवस्था ये बताती है कि अपराधी में सुधार किया जाना चाहिए, सुधार करने की कोशिश करना चाहिए, वो जो भी कर रहा है वो ठीक है और हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि वो इस दिशा से वापस लौट आए। और ऐसा हम कब कर पाएंगे, तो इसमें भिन्न भिन्न एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके लिए हमें व्यक्तिकरण का सिद्धांत अपनाना होगा। व्यक्तिकरण या व्यक्तित्व की भावना ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति यानी कि प्रत्येक अपराधी को हमें ऑब्जर्व करना होगा, ये ऑब्जर्वेशन करना होगा कि जो अपराधी है वो अपराध क्यों कर रहा है, आपराधिक दिशा में क्यों जा रहा है, क्या कारण है जिससे वो इस दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इसके लिए हमें उसे जानना होगा, उसको जानकर तभी हम उसमें सुधार कर सकते हैं। एक्चुअल में उसके व्यक्तित्व गुणों को अवगुणों को जानना और उसका ट्रीटमेंट करना, यही ट्रीटमेंट गिवन टू क्रिमिनल कहलाएगा। जैसा कि लॉ ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की एक बुक मेरे पास हुआ करती थी जिसमें मैंने एक बार पढ़ा था, वो आज आपको बताता हूँ। महात्मा गांधी ने अपने कथनों में कहा गया है कि इक्वल प्राइजन इक्वल टू हॉस्पिटल एंड ईच ऑफ डॉक्टर इक्वल टू कस्टडियल स्टाफ एंड ईच ऑफ पेशेंट इक्वल टू क्रिमिनल एंड ईच ऑफ डिसीजेस इक्वल टू क्रिमिनलिटी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक जेल अस्पताल के समान है, प्रत्येक जेल में कार्य करने वाले कस्टडियल स्टाफ सुरक्षा प्रहरी डॉक्टरों के समान है, प्रत्येक अपराधी एक बीमार व्यक्ति यानी मरीज के समान है और प्रत्येक अपराधी में जन्म लेने वाली या पनप रही आपराधिक भावना बीमार व्यक्ति में पनप रही बीमारी के समान है। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह एक डॉक्टर प्रत्येक बीमार मरीज का इलाज करते समय बीमार मरीज को खत्म नहीं करता है, उसके अंदर पनप रही बीमारी को खत्म करने की कोशिश करता है, ठीक उसी तरीके से उसी तरह से इस सुधारात्मक दंड व्यवस्था के तहत समूचे अधिकारियों और समस्त जिम्मेदार लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो अपराधी हैं, अपराधों में लिप्त लोग हैं, उन लोगों में उनके अंदर जो आपराधिक भावना उत्पन्न हो रही है या आपराधिक भावना है उसको नष्ट करना है, न कि अपराधियों को, अर्थात आपराधिक प्रवृत्ति को नष्ट करना है न कि अपराधियों को। इसे हम ट्रीटमेंट प्रोसीजर फॉर क्रिमिनल कहेंगे। आगे चलते हैं पॉइंट सेकंड मेथड्स। मेथड्स को हमने दो भागों में बांटा, नंबर एक बिफोर पनिशमेंट और इसी चीज को आफ्टर पनिशमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ए बिफोर पनिशमेंट। बिफोर पनिशमेंट हम
व्हाट इज द ट्रीटमेंट रिलेटेड टू क्रिमिनल, क्या होगा? नंबर फर्स्ट क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड हमें ये बताता है कि जिस तरह किसी अस्पताल में, दवा खाने में, किसी क्लिनिक में डॉक्टर द्वारा किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके अंदर पनप रही बीमारी को समाप्त किया जाता है, न कि बीमार मरीज को, ठीक उसी तरह से क्लिनिक मेथड में हम उसे ऑब्जर्व करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, क्या कारण है जिससे वो इस दिशा में बढ़ता चला जा रहा है। और ये हम जब समझ जाएंगे कि इसका रीजन ये, तो कोशिश करेंगे उसको उस दिशा से वापस लाने की, इसे हम क्लिनिकल मेथड कहते हैं। सेकंड ग्रुप रिलेशन मेथड। इस मेथड से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जो अपराध में लिप्त है या अपराधी है, वह जिन लोगों की संगति में है, जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, उस पूरे ग्रुप का हम ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे, सुधारने का प्रयास करेंगे। और अगर ऐसा करना संभव नहीं होता है या हमें पता नहीं चलता है कि वो ग्रुप कौन सा है जिससे वो जुड़ा हुआ है, तो इंडिविजुअल उसी व्यक्ति के गुण अवगुणों को जानकर उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। इस तरह बिफोर पनिशमेंट में दो मेथड थे जो हमने बता दिए। बी आफ्टर पनिशमेंट। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया, अपराध करने के बाद उसे पकड़ा, पकड़ने के बाद सजा दे दी गई, फिर वो चाहे कारावास हो, चेतावनी हो, अर्थदंड हो, एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू पनिशमेंट, दंड से संबंधित कोई भी व्यवस्था हो सिवाय कैपिटल पनिशमेंट की, क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट अगर किसी को दे दिया तो आफ्टर कैपिटल पनिशमेंट, ये हमारी थ्योरी, ये हमारा डिस्कशन काम नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट का मतलब है किसी को मृत्यु दंड देना, और जब किसी को मृत्यु दंड दे दिया, वो मर गया, उसके बाद आप उसमें सुधार कैसे करेंगे, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं आफ्टर पनिशमेंट। और कैपिटल पनिशमेंट का दंड किसी को दिया गया तो समझ लीजिए उसमें सुधार की बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो खत्म। तो सिवाय कैपिटल पनिशमेंट के किसी भी तरह का पनिशमेंट अगर किसी को दिया गया है तो उसमें नंबर थर्ड प्रोफेशनल रिहैबिलिटेशन, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, अपराध करने के बाद उसे हमने दंड दे दिया, उसने सारा दंड अपना एब्सोल्यूट तरीके से पूर्ण कर लिया, उसके बाद उसका अधिकार है कि पुनः उसी समाज में जाकर अपना जीवन व्यतीत कर सके, किसी रोजगार को अपना सके, और ये व्यवस्था और इस क्षेत्र में उसे आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार को करना चाहिए, अर्थात सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का नितांत आवश्यक कर्तव्य है कि वो ऐसे लोगों को जो अपराध में लिप्त हैं, अपनी सजा पूर्ण कर चुके हैं, सजा के बाद उनका व्यवसायीकरण और उनका समाजीकरण करना चाहिए, जिससे कि वो आगे अपना जीवन व्यतीत कर सके और उनके परिवार के सदस्य इस दिशा से वापस जा सके। फोर्थ सोशल रिहैबिलिटेशन, यानी कि सामाजिक व्यवस्था। जैसा कि अभी ऊपर हमने बताया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, अपराध के बाद उसको हमने पनिशमेंट दे दिया, दंड दे दिया, दंड की अवधि उसने पूर्ण कर ली, तो अब जब वो बाहर आएगा तो कैसे जीवन व्यतीत करेगा? उसके लिए कुछ आर्थिक व्यवस्था की जरूरत होगी, आर्थिक व्यवस्था की जरूरत होगी तो उसका व्यवसायीकरण करना जरूरी है। अगर इटसेल्फ उसके पास इतनी कैपिटल है, खुद कर सकता है, तो ठीक नहीं, सरकार को उसे मदद करना चाहिए। ठीक उसी तरह से अब वो जेल से बाहर आ गया, बाहर आने के बाद उसने अपना व्यवसाय प्रारंभ कर दिया, पूंजी मिल गई, पैसा मिल गया, लेकिन इस पैसे का करेगा क्या जब तक उसके साथ सोशल एस्पेक्ट नहीं है, सोसाइटी नहीं है, समाज नहीं है? तो समाजीकरण करना भी उसका नितांत आवश्यक है। लोगों को समझाना चाहिए, अवेयरनेस लाना चाहिए कि वे लोग जो अपराध करके अपनी सजा कंप्लीट करके वापस आते हैं, उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जो अपराध उन्होंने किया था उसके बदले उन्होंने पनिशमेंट कंप्लीट कर लिया, अतः अब वे एक बिल्कुल साफ सुथरे नागरिक की तरह पेश हो रहे हैं और उनका स्वागत हम करेंगे तो वो ऐसे ही बने रहेंगे। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मेरे द्वारा आपको आगे भविष्य में भी वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे वीडियो लेक्चर से आपको काफ़ी हद तक लाभ मिले। धन्यवाद।